जिस अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान आज हाय तोबा मचा रहा है, उसे खत्म करने का वास्तविक विचार पाकिस्तान से ही भारत को मिला था। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने उसी वक्त तय कर लिया था कि अब जम्मू कश्मीर से भी आर्टिकल 370 और 35 को सदैव के लिए तिलांजलि देनी है। बड़ी बात यह है कि ऐसा करने के लिए खुद पाकिस्तान ने पीओके में एक बड़ा फेरबदल करके भारत को इसका न्योता दिया था। इसने पाक संसद में खूब जश्न भी मनाया, लेकिन इसी की कारस्तानी आज इसे गधैया नृत्य करा रही है। दरअसल पाकिस्तान ने एक साल पहले अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और एक अन्य क्षेत्र फाटा के साथ मोदी सरकार से भी बढ़कर कारनामा किया था। पाकिस्तान सरकार ने 21 मई 2018 को अचानक गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के बहुत से कानूनी अधिकार और अन्य तमाम शक्तियां छीन ली थी। गौरतलब है कि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का एक भाग है। इससे पहले यानी 1947 की आजादी और उसके कुछ माह बाद हुए भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले तक गिलगित बाल्टिस्तान समेत पाकिस्तान के कब्जे वाला पूरा कश्मीर जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग हुआ करता था। पाकिस्तान की सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए मई 2018 के अपने फैसले के अंतर्गत गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 की घोषणा की थी। यह आदेश पीओके के इस क्षेत्र के लिए हिटलरी फरमान था, जिससे उनकी जिंदगी रातों रात गुलामी से भी बदतर हालत में धकेल दी गई थी। मतलब गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 के जरिए पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान सशक्तिकरण 2009 के सुशासन आदेश को समाप्त कर दिया था, जिसका मतलब था कि गिलगित बाल्टिस्तान की सभी स्थानीय निकाय की शक्तियों से उन्हें वंचित कर दिया गया और उनके अधिकार छीनकर पाकिस्तानी वजीर आजम को सौंप दिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 में स्थानीय लोगों से कर वसूली का अधिकार छीनकर पाक प्रधानमंत्री को सौंप दिया, यानी इस क्षेत्र के लोगों की सुशासन प्रणाली खत्म करके उन्हें पूरी तरह पाकिस्तान सरकार के ऊपर आश्रित कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। फाटा में भी अलगाववाद का बिगुल बजा हुआ है और पीओके में भी, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों ही क्षेत्रों में इस तरह के दमनकारी फैसले किए। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने यह इतनी चतुराई से किया था कि इसे कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। मतलब पाकिस्तान ने एक तरह से लोगों के न्याय पाने के मूल अधिकार छीन लिए थे, जबकि भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करने के साथ लोगों के कानूनी अधिकार नहीं छीने हैं। उन्हें प्रत्येक भारतीय की तरह तमाम सहूलियतें, अधिकार और संविधान प्रदत्त शक्तियां प्राप्त हैं। इसका प्रमाण यह है कि सरकार के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं दायर की गई हैं, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी सरकार के फैसले के खिलाफ बोलने तक की छूट नहीं दी गई थी, यानी बड़ी बेरहमी से उनकी आवाज को दबा दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान की एक नीति का अनुसरण जरूर किया। जिस प्रकार पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपना आदेश जारी करने से पहले स्थानीय लोगों की राय नहीं ली थी और ना ही भारत या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोई बात की, मोदी ने भी वही करके पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। पाकिस्तान के उक्त फैसले के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया था। भारत ने भी उस वक्त पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आपत्ति जताई थी। इस मसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने 27 मई 2018 को दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया था। उस वक्त भारत ने डिप्टी हाई कमिश्नर से स्पष्ट कहा था कि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका भारत का है। तब पाकिस्तान ने इसे अंदरूनी मामला बताते हुए शांत रहने को कहा था। गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लागू करने के साथ ही पाकिस्तान ने प्रभावित क्षेत्र में मीडिया कवरेज को भी सीमित कर दिया था। मतलब उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से वहां के वास्तविक घटनाक्रम की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने तक का अधिकार छीन लिया था। काफी समय तक उस इलाके में बाहरी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध जैसी स्थिति थी। वहीं भारत ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया है। भारतीय मीडिया में घाटी के हालात का लाइव कवरेज हो रहा है। समाचार चैनलों और अखबारों में टेलीफोन में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी की निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जा रही है। मतलब साफ है, जो पाकिस्तान तशरीफ से तैमद उतार कर और उसे सिर पे बांध के कुकुर की तरह दुनिया में दौड़ा फिर रहा है, तब उसके द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान और फाटा में थोपे गए दमनकारी फैसले अंदरूनी मामला था। लेकिन आज जब भारत ने अपने हिस्से के जम्मू कश्मीर में कुछ फैसले लिए हैं, तो
इसके पिछवाड़े पर दाद का रोग हो गया है। हीरा मंडी से पैदा हुई इस पाकिस्तानी नस्ल को सोचना होगा कि जिनके तहमत में छेद होते हैं उन्हें पड़ोसी के घर में जाकर कब्ज की शिकायत नहीं करनी चाहिए, वरना तशरीफ पर लात पड़ने का खतरा भी रहता है। और शायद अब पाकिस्तान को यही डर सता रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।